आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है, सम्राट जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं यानी सम्राट जबलपुर का रहने वाला हूँ, और पेशे से मैं डिश टीवी की छतरी लगाने का काम करता हूँ, जिस वजह से मुझे अलग अलग जगहों पर छतरी लगाने के लिए जाना पड़ता था, और कभी कदार तो दूर दराज भी। ये उस दिन की बात है जब हमें बरगी क्षेत्र में डिश टीवी की छतरी लगाने का काम मिला था। पूरी तरह से कस्टमर का एड्रेस पता करने के बाद मैंने अपना बाइक उठाया और अपने साथी चिंटू को बिठाकर बरगी गांव की ओर निकल पड़ा। अब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी बस होने ही वाला था। जबलपुर से बरगी कुछ 30 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे तय करने में करीबन घंटा भर जैसा वक्त लगता है। अगर हम चाहते तो ये काम कल भी कर सकते थे, मगर उस कस्टमर को आज के आज ही छतरी लगवाना था, और हमें भी अपनी रेपुटेशन खराब करने का कोई शौक नहीं था। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि पीछे बैठे चिंटू ने कहा, भैया अभी जाना जरूरी है क्या? जिस पर मैंने कहा, क्यों, क्या बात है? इस पर चिंटू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लोगों से सुना है कि ये रास्ता अंधेरा हो जाने के बाद ठीक नहीं है। जिस पर मैंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तेरे को। ऐसे ही कुछ और देर चलने के बाद हम लोग बरगी पहुंचे, और फिर उस गांव में जहां हमें डिश टीवी का छतरी लगाना था। अभी हम उस घर के पास पहुंचे ही थे कि हमें पता चला कि पूरे गांव की इलेक्ट्रिसिटी गुल है। ये जानकर हम और भी परेशान हो गए, क्योंकि अब हमें बेवजह लाइट आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, अब किया भी किया जा सकता था, लिहाजा हम हाथ पर हाथ धरे लाइट आने का इंतजार करने लगे। फिर कुछ देर के बाद लाइट आई, और लाइट आते ही हम दोनों काम पर लग गए। कुछ ही देर में हमने सारा काम निपटा दिया और कस्टमर से पैसे लेकर वापस जबलपुर की तरफ चल पड़े। अब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी और आसपास का माहौल भी बिल्कुल काला हो चुका था। जिस रास्ते पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे, उसके आजू बाजू सिर्फ जंगल ही जंगल था। बहुत देर से खटने की वजह से हम दोनों को भूख भी काफ़ी तेज लगी थी, मगर उस पूरे रास्ते पर ना तो कोई दुकान नज़र आ रहा था और ना ही कुछ ऐसा जिससे हम अपनी पेट की भूख को मिटा सकें। उस पूरे रास्ते पर से हमारे अलावा ना तो कोई गाड़ी गुजर रही थी और ना ही कोई पैदल इंसान। दूर दूर में लगे एकाध स्ट्रीट लाइट और गाड़ी की हेडलाइट ही उस पूरे रास्ते पर हमारा सहारा थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही पता नहीं क्यों मेरी बाइक काफ़ी भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और चिंटू के अलावा भी कोई तीसरा इंसान बाइक में बैठा हो। हैरानगी भरी निगाहों से मैंने लुकिंग ग्लास में देखा तो पाया कि चिंटू के पीछे एक अजीब सी काली परछाई बैठी हुई है। होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि मैं उस काली परछाई के आर पार देख पा रहा था, मगर चिंटू को इस बात की जरा भी भनक तक नहीं थी कि उसके पीछे कौन बैठा है। तभी एकदम से अपने आप ही बाइक अनबैलेंस होने लगी और कांपने लगी। इससे पहले कि मैं बाइक संभाल पाता, हम दोनों बाइक समेत धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। हालांकि उस वक्त बाइक की स्पीड काफ़ी कम थी, जिस वजह से हमें कुछ खास चोट नहीं आई। होश संभालते ही जब मैंने चिंटू की तरफ देखा
तो पाया कि वो काली परछाई चिंटू को पैर से पकड़कर घसीटते हुए रोड के किनारे जंगलों की ओर ले जा रही है। ये देखकर मैं तुरंत ही चिंटू की तरफ भागा और उसका पैर पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, मगर मैं भी चिंटू के साथ ही साथ उस परछाई की ओर खींचा चला जा रहा था। तभी पीछे से एक ट्रक हमारी तरफ आने लगी। फिर जैसे ही वो ट्रक हमारे पास आकर रुकी कि वो काली परछाई राख की तरह हवा में बिखर गई। उस ट्रक का खलासी भागता हुआ हमारी तरफ आया और सहारा देकर उठाते हुए बोला, आप लोग ठीक तो हैं? ज़्यादा चोट नहीं लगी ना? फिर उस ट्रक वाले के साथ ही हम वापस जबलपुर लौट आए, मगर उस दिन के बाद से आज तक हम कभी भी रात के वक्त बरगी के उस रास्ते पर नहीं जाते। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश के रहने वाले सम्राट जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।